pointing fingers is also they are only making these nepotistic stars na. Aap ja rahe ho na film dekhne, to mat jao. तो नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले लाल सिंह चड्ढा मूवी के बारे में। ये मूवी अब तक आई नहीं और पब्लिक बोल रही है बॉयकॉट। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि बॉयकॉट? ऑडियंस काफी यहां पे गुस्सा है इस मूवी के ऊपर। पहले बात करते हैं मूवी के बारे में। 11th अगस्त को ये मूवी रिलीज होने वाली है और उस दिन क्लैश होने वाला है, बिकॉज उस दिन अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी रिलीज हो रही है। बात करते हैं मूवी में और क्या क्या है। फर्स्ट थिंग, ये जो फॉरेस्ट गम की कॉपी है, लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम की कॉपी है। सेकेंड थिंग, आमिर खान और करीना कपूर है इस मूवी में, जो हमेशा अपने इंटरव्यू के कारण विवाद में घिरे रहते हैं। इनके इंटरव्यू काफ़ी कॉन्ट्रीवर्सल होते हैं, तो इसके लिए ये रीज़न है। और बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं, मैं भी एक ऑडियंस हूँ और काफ़ी मैंने ऑडियंस से बात किया है, तो वो दो रीज़न बता रहे हैं। पहला चीज़ बताते हैं आमिर खान का नेचर। मैं ये मेरा बात नहीं, मेरे कुछ दोस्तों ने बताया, ऐसा तो मैं बता रहा हूँ कि आमिर खान का वीडियो जाए तो गलत ना समझे। उनकी अभी तस्वीर थी कुछ अपनी बेटी के साथ, तो वो कुछ सही उनको नहीं लग रहा था, ये था उनका रीज़न। मुझे एक चीज़ बस पसंद नहीं आया था इनके इंटरव्यू में, कि वो भारत में बोल रहे थे कि हमें भारत में रहने में डर लगता है, तो मुझे वो थोड़ा चीज़ पसंद नहीं आया था। बात की जाए करीना कपूर, हाँ ये असली वजह है करीना कपूर की, जहाँ देखा जाए तो वो अपने एक इंटरव्यू में बोली थी कि भाई मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि मेरे मूवी जाके तुम देखो, आप खुद आते हो ना देखने के लिए। तो यहाँ पे इस बार लोगों ने डिसाइड किया है हम आपकी कोई भी मूवी देखने नहीं जाएंगे, इसके लिए यहाँ से पहले से बॉयकॉट चिल्ला रहे हैं। और सेकेंड बात मैं बताऊँ तो बॉलीवुड की किस्मत बहुत ही ख़राब चल रही है। तो आप जहाँ चाहते हैं कि जहाँ हमारी मूवी अच्छा जाए, तो आपको ऑडियंस को आप धक्का नहीं मार सकते, आप तो आप ऑडियंस से आपको अच्छा ही से अभी रहना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ऑडियंस को लोग बहुत ही हल्के में ले रहे थे। बॉलीवुड जहाँ देखो तो इनका नेचर ऑडियंस के प्रति काफ़ी ख़राब रहा है। इसके लिए अब टॉलीवुड के जहाँ सुपरस्टार देखो तो आज भी देखिए कितने प्यार से बात करते हैं, लेकिन जहाँ बॉलीवुड की बात की जाए तो करता ही नहीं, ऑडियंस को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो ऑडियंस अब थोड़े समझदार हो गए, पढ़े लिखे ऑडियंस के पास अब बहुत सारा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं रहता था, अब बहुत सारे ऑप्शन है, हॉलीवुड मूवी टॉलीवुड मूवीज काफ़ी। तो इसके लिए करीबन बोल रहा हूँ 20 मूवी आई रहेगी बॉलीवुड की, पिछले 20 मूवी में से सिर्फ 2 या 3 हिट गई है, सिर्फ हिट सुपर हिट, उसमें से 10 डिजास्टर रहेंगे और 8 के 8 फ्लॉप रहेंगे। सो गाइस ये होती है बात। तो यही दो रीज़न है इसके पीछे कि मूवी को लोग बायकॉट क्यों कर रहे हैं। पहला बात आमिर खान का जो कॉन्ट्रोवर्शियल विवाद है कि वो कभी कुछ भी बोल देते कि हमें भारत में रहने में डर लगता है, फिर ऐसा वैसा, उनकी काफ़ी विवादित चल रही। और करीना कपूर ने बहुत ही मुझे गंदा लगा था जब इन्होंने बोला कि वीडियो देख लें आप।